तो आज की रेसिपी जो मैं आप लोगों से शेयर करने आई वो है चिकन दम बिरयानी की रेसिपी। तो चिकन दम बिरयानी की रेसिपी एक ऐसी रेसिपी है जो कि सबको बहुत ही पसंद आता है खाने में। तो खाने में तो पसंद आएगी, इतने टेस्टी बनते हैं ये चिकन दम बिरयानी। तो ये चिकन दम बिरयानी मैं किस तरीके से बनाने जा रही हूँ चलिए देख लेते। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ गैस की फ्लेम को ऑन कर रही हूँ और यहाँ मैंने ऑयल को चढ़ा दिया है चिकन को कुक कर लेने के लिए। तो ये चिकन को मैं रिफाइन ऑयल में ही पका रही हूँ, यहाँ मैंने सरसों का तेल नहीं डाला है। तो ये चिकन मैं रिफाइन ऑयल में ही पका रही हूँ क्योंकि ये बिरयानी मैं बना रही हूँ इसलिए। तो इससे रिफाइन ऑयल में पकाने से अच्छा है, टेस्ट भी होंगे। तो इसलिए इसमें जब भी आप बिरयानी बनाए तो चिकन रिफाइन ऑयल में ही पकाएं। तो यहाँ ऑयल हमारे अच्छे से हीट हो चुके हैं, तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ दो लौंग, दो छोटे दालचीनी के टुकड़े, दो हरी इलायची, और अब इसमें मैं डाल दे रही हूँ दो तेज पत्ते। तो इसके कलर अब चेंज हो चुके हैं जो मैंने ये डाला था। तो यहाँ मैं 700 ग्राम चिकन बना रही हूँ। तो 700 ग्राम चिकन में मैंने यहाँ पे 200 ग्राम रिफाइन ऑयल डाला था और उसी में मैं डाल दे रही हूँ यहाँ पे 250 ग्राम प्याज, इसे मैंने अच्छे से कट कर लिया है। तो इसमें डाल देना है। तो प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेना है गोल्डन ब्राउन होने तक। तो गैस के फ्लेम को यहाँ हाई कर देना, हाई फ्लेम पे इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन टाइप हो चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अदरक लहसुन डालने के बाद अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना प्याज के साथ। तो चिकन बिरयानी तो आप लोगों ने बहुत तरीके से बनाई होंगे, तो मैं जिस तरीके से बना रही हूँ आप इसे फॉलो करें और इस तरह से आप लोग भी अपने घर पे बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी होंगे। तो चिकन बिरयानी बनाने के लिए जो चिकन मैं जिस तरीके से बना रही हूँ इस तरीके से आप लोग भी बनाएं। तो यह मैंने चिकन को मैरिनेट करके नहीं रखा था पहले, मैं इस तरीके से आज चिकन को बना रही हूँ। तो आप लोग भी इस तरीके से बनाएं। अदरक लहसुन को मैंने प्याज के साथ 1 मिनट तक भून लिया अच्छे से। तो अदरक लहसुन के साथ प्याज को भूनते भूनते कलर भी इसके चेंज हो चुके हैं काफी, आप देख सकते हैं। हाँ, मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा गोल मिर्च पाउडर। तो गोल मिर्च पाउडर थोड़ा ही डालना है वरना ये ज्यादा कड़वे हो जाएंगे और इसके कलर भी बहुत ही डीप हो जाते हैं। साथ ही इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच डाल दिया है लाल मिर्च पाउडर। यहाँ मैं नमक डाल रही हूँ टेस्ट के हिसाब से। यहाँ पे डाल रही हूँ जीरा पाउडर। तो ये जीरा को मैंने रोस्ट कर लिया था, रोस्ट करने के बाद मैंने इसे मिक्सी के जार पे ग्राइंड कर लिया। तो इसे मैंने फाइन पाउडर तैयार नहीं किया था, ये मीडियम पीस लिया था। चलिए जीरा पाउडर डाल देते इसमें। तो ये जीरा पाउडर मैंने रोस्ट करके ही पीसा था, इससे बहुत अच्छे टेस्ट आते हैं चिकन में। अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेना है हमें।
मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा पानी, मसाले को भून लेने के लिए थोड़ा सा मैं पानी ऐड करना है यहाँ। तो इसे मैंने 1 से 2 मिनट तक भून लिया है। तो अब इसमें डाल देंगे ये चिकन। तो यहाँ मैंने 700 ग्राम चिकन लिया था, इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, तो इसमें अब डाल देना है। यहाँ पे मैंने डाल दिया है चिकन को, अच्छे से मिक्स कर लेना है मसाले के साथ। तो चिकन को मसाले के साथ अच्छे से भून लेना है। मीडियम फ्लेम पे ही भून ले रही हूँ। तो इसे 1 से 2 मिनट तक भूनने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा दही ऐड कर दूंगी। चिकन को मैंने भून लिया है मसाले के साथ 2 मिनट तक। तो अब इसमें ऐड कर रही हूँ दही। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। दही डाल दिया था, अब मैं यहाँ पे थोड़ा ऐड कर रही हूँ बिरयानी मसाला। तो ये बिल्कुल छोटे चम्मच है, इससे मैंने 2 चम्मच तक डाल दिया है बिरयानी मसाला पाउडर। इसे मिक्स कर लेना है। मिनट तक और भून लेना है। 1 मिनट भूनने के बाद यहाँ मैं थोड़ा पानी ऐड करूंगी। पानी ऐड डालने के बाद मैं इसे ढक कर कुक कर लूंगी चिकन को। तो गैस के फ्लेम को मैंने यहाँ पे थोड़ा हाई कर दिया है, हाई फ्लेम पे इसे मैं भून ले रही हूँ। मिनट तक भून लिया है, कर दी हूँ पानी। तो पानी मैं यहाँ पे थोड़ा ही ऐड करूंगी। लास्ट तक पानी ऐड कर दिया है ढक्कन, और अब इसे मैं ढक दे रही हूँ यहाँ पे। इसे ढकने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे 10 मिनट तक कुक कर लेना है। तो इसे मैं ढक दे, मिनट हो चुके हैं। तो अब इसे मैं खोलकर चेक कर रही हूँ चिकन को। इसे अच्छे से चला लेना है। तो चिकन यहाँ पे मैंने कुक कर लिया है। देख सकते हैं चिकन हमारे कुक हो चुके हैं बहुत ही अच्छे से, और इतने अच्छे से कलर भी आया चिकन के ऊपर। रख दे रही हूँ यहाँ पे, साइड कर दे रही क्योंकि चिकन हमारे कुक हो चुके हैं। इनका चावल बनाने के लिए यहाँ मैं पानी चढ़ा दे रही हूँ। चढ़ा दिया है चावल पका लेने के लिए। फ्लेम को मैं यहाँ हाई कर दे रही हूँ, लौंग डाल दे रही हूँ, 1 बड़े दालचीनी के टुकड़े, 2 हरी इलायची डाल दे रही हूँ मैं यहाँ पे, डाल दे रही हूँ इस तरह से रस निकाल कर। अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, अब देख सकते हैं करेंगे चावल खाने वाले। यह बिरयानी का चावल, ये वागा चावल है। ये चावल बहुत लंबे होते हैं तो इसलिए मैंने ये चावल से ही बिरयानी बना रही हूँ। ये वागा चावल से ही मैं कल रख दिया था। तो चलिए पानी फूट गया, इसमें डाल देते हैं। बहुत ज्यादा गर्म है इसलिए चावल को ध्यान से डालना है आस्ते आस्ते। ले लिया बिरयानी के लिए 750 ग्राम चावल लिया था मैंने।
इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो बिरयानी का चावल आप जब भी बनाएं तो इसे भिगो कर रख देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2 घंटे तक आप भिगो कर रख सकते हैं और अगर कम वक्त है तो 1 से 1.5 घंटे तक भी रख सकते हैं। नमक डालना है क्योंकि चिकन में भी मैंने नमक डाला था, इसलिए चावल में नमक हिसाब से ही डालना है। तो नमक मैंने यहाँ पे डाल दिया है, अब इसे मिक्स कर लेना है। तब ये चावल को मैं 80% तक कुक कर लूँगी क्योंकि इसे दम भी देना है, तो दम में भी बहुत अच्छे से कुक होता ही है, तो इसलिए अभी इसे 80% तक चावल को हमें कुक कर लेना है। ढक दे रही हूँ, इसे ढक कर बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे 80% तक चावल को कुक कर लेना है। हो चुके हैं तो मैं चावल को खोल के चेक कर रही हूँ, तो उबाल आ गए है और ये 70 से 80% तक कुक भी हो चुके हैं। तो चलिए ये चावल को मैं पसा दे रही हूँ, देना स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो नीचे मैं दे रही हूँ यहाँ पे तेज पत्ते, चावल नीचे सतेंगे नहीं, इसलिए सतेंगे पर कम सतते तेज पत्ते देने से, इसलिए जब भी आप बिरयानी बनाए तो नीचे तेज पत्ते लगा दे तो चावल कम सतेंगे वरना नीचे लग जाते हैं। नमक डाल दे रही हूँ, आलू को मैंने बॉईल कर लिया है, कान रिजन कर ही बॉईल कर लिया था, इसे मैंने फ्राई नहीं किया, जस्ट बॉईल किया सिर्फ, नमक देकर ही बॉईल कर लिया था। डाल रही हूँ ठीक है, मैं डाल रही हूँ थोड़ा चिकन, जो मैंने चिकन रेडी कर लिया था, इसमें ज्यादा मसाला नहीं देंगे लेकिन नीचे सब मसाला। बिरयानी मसाला अब मैं चावल ऐड करूंगी इसके ऊपर। मैं आलू ऐड कर दे रही हूँ, इसको ऐसे ही रखेगा खुला। देना है फिर से, मैं डाल दे रही हूँ आलू के ऊपर, ये ग्रेवी डाल देना है। अब इसके ऊपर बिरयानी मसाला ऐड करना है फिर से, बिरयानी मसाला टोटल डाल दिया है और अब मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ दूध। तो यहाँ इसमें मैंने जाफनार कलर ऐड कर दिया है, तो अब इसमें डाल देना है। जो मैंने रख दिया था इसके ऊपर डालने के लिए,
पाइन ऑयल, अभी जो थोड़े बचे हुए थे इसके ऊपर डाल देना है। अब मैं डाल रही हूँ रोज वाटर। छोड़ दे, हो गया वाटर। कर इसे अब दम में दे देना है। देना है बिल्कुल लो फ्लेम पे। ये दे रही हूँ। तो इसे चिकन बिरयानी को मैंने दम दे दिया है 30 से 40 मिनट तक। तो चलिए इसे खोलकर चेक कर लेते हैं। अब ये आप देख सकते हैं चीज लग रही है। तो चलिए इसे मैं सर्व करूंगी। अभी यहाँ सर्व कर रही हूँ चिकन बिरयानी को मैं सर्व कर रही हूँ। उधर हमको जाने दे, तब निकलेंगे। ये आप देख सकते हैं बहुत ही लजीज लग रही है चिकन बिरयानी। तो जिस तरीके से मैंने आज चिकन बिरयानी बनाया है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। तो ये सेम प्रोसेस में मैंने जिस तरीके से बनाया है, आप लोग भी अपने अपने घर पे ट्राई करें। और आज की ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। तो फिर मिलूंगी आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत जल्द।